आपके किचन और रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल होती है। वैसे तो ये है बहुत मामूली सी चीज, लेकिन इसके सही इस्तेमाल से आप हैरत अंगेज फवायद पा सकते हैं। इस अनोखी चीज का नाम है चम्मच। जी, आज होंगे सिर्फ एक चम्मच से निहायत मुफीद और कारआमद टोटके। क्या ही अच्छा हो कि आपका मोटापा देखते ही देखते कम हो जाए और आपको खुद भी पता ना चले। गंजपन की हो शिकायत या आपके बाल हसीन, घने, लंबे और चमकदार ना हो, इन सब मसाइल का हल है सिर्फ एक चम्मच में। साथ ही चेहरे के दाने, झाइयां और कील माहा से बिल्कुल साफ करने के लिए हो जाए तैयार। पाकिस्तान के नंबर वन मॉर्निंग शो में हमारे एक्सपर्ट आपको ऐसे मुफीद टोटके बताएंगे जिनसे आप हैरत अंगेज तौर पर दंग रह जाएंगे। प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को जाने ना क्यों मुझसे शर्माए ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे साथ मेरे दुनिया को ठुकराऊं तेरा दिल से मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा हमेशा इस बात पे इतबार है कि अच्छे लोग अच्छे होते हैं। हमारे मुल्क में जहां हम एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं वहां हम एक दूसरे के साथ भी काम करते हैं। कल ARY न्यूज पे सनम ने मेरे बारे में कुछ अच्छे अल्फाज कहे हैं। मैं बरमला टेलीविजन पे ये इतराफ करता हूं कि न सिर्फ मैं सनम की एक्टिंग का फैन हूं, उनकी होस्टिंग का भी फैन हूं और उसके साथ साथ उसके उसके साथ साथ सनम जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, जितनी अच्छी होस्ट हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी इंसान है। नॉट बिकॉज उन्होंने मेरे बारे में कुछ अच्छा कहा। जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ी बात करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो अपने दिल को खुला रखते हैं। तो सनम थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
You're wonderful. May God bless you always, always. May God bless you. Seriously, I have no words. बहुत बहुत शुक्रिया. एक बार यहाँ हमारे शो में सनम के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. Go. डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं. ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं. जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना, क्यों मुझसे शर्माए ऐसे मुझे तड़पा. से शर्माए ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले मैं. दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं. तू जो रहे पास मेरे तेरा दिल बहलाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना, क्यों मुझसे शर्माए ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. आज मैंने अपनी ही ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को गलत साबित कर दिया है. मैं गाना वैसे बहुत बुरा गाता हूँ और आज बीमारी में और ज़्यादा बुरा गाया है. अल्लाह ताला मेहदी हसन साहब की रूह को अपने जवार रहमत में जगह दे. खुदा का लाख लाख शुक्र है कि खान साहब को इस अजियत से नहीं गुजरना पड़ा जो आज मैंने की उनके गाने के साथ. लेकिन आप सब ने सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके पास दरअसल कोई चॉइस नहीं थी. आप यहाँ पे खड़े थे, यहाँ बैठे थे, तो इसलिए मैंने जैसे गाया वैसे आपने सुन लिया. बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर सनम बलोच के लिए. बहुत सारी तालियां. थैंक यू सनम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. यू नो दैट वी लव यू एंड यू नो दैट वी एडमायर यू, वी अडोर यू और वी मिस यू इन ड्रामाज. आई थिंक मैंने आपका एक प्ले देखा था, इट वॉज कॉल्ड दास्तान एंड यू वर ब्रिलियंट इन इट. कमाल कमाल. मैं बहुत ज़्यादा प्लेज नहीं देखता, लेकिन मैंने एक ही प्ले देखा था उनका और वो बहुत अच्छा था. तो मेरे लिए वो मेमोरीज है वो बहुत बड़ी है. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, आज हमारा शो बहुत अच्छा है. बात है चमचों की. हमारे यहाँ तो मुल्क में चमचे ही चमचे हैं. जिसको देखो वो किसी ना किसी का चमचा है. शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप TV पे देखते हैं, बहुत सारे चमचे बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं. कोई अपने लीडर की बात करता है, कोई अपने लीडर की बात करता है. लेकिन आज हमारा शो उन चमचों के बारे में नहीं है, बल्कि एक चम्मच के बारे में है. इस एक चम्मच से हम क्या कुछ कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा. आज अगर आपको एक्नी की प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाएंगे, ऑनेस्टली खत्म हो जाएंगे. आज अगर आपको वेट का प्रॉब्लम है कि वेट आपका गेन हो जाता है, अगर उसको लूज़ करना है तो वो खत्म हो जाएगा. आज अगर आपके बाल गिरते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ एक चमचे की मदद से आप गिरते हुए बालों को रोक कैसे सकते हैं. आज अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपकी रंगत साफ नहीं है, आपके चेहरे पर एक्नी है या पिंपल है, तो वो सारे के सारे चेहरे की रंगत बहाल हो जाएगी, आपकी एक्नी खत्म हो जाएगी. लेकिन मेरे साथ उसके लिए मेरे बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये, और ये मेरी आज मदद करेंगे. बहुत सारी तालियाँ हकीम रज़ा इलाही साहब के लिए. सामने बहुत सारी तालियां सलमा आसिम के लिए. बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां हमारी फरा के लिए. बहुत सारी तालियां.
आज हमारे साथ एक एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्लेज नहीं देखता, ऑफ कोर्स मैं नहीं देखता, लेकिन मुझे ये पता होता है कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत नाम है इनका। मदिया ज़ैदी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मुझे वो वाली कटरीना तो मिली नहीं, पर ये तो मिल सकती है ना। हमारी आपकी कटरीना कैफ, ऑफ कोर्स रानी आप हमारे साथ हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हकीम साहब आपसे शुरू करते हैं, क्या करने वाले हैं? एक चम्मच यार, पहले तो कोई एक चम्मच से मुझे सही करके दिखाए मुझे, क्योंकि मेरी चल रही है डबिंग फिल्म की और मेरे लिए बड़ा मसला हो रहा है, सच में बहुत मसला हो रहा है। तो मैं पहले मुझे कोई सही करके दिखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात शुरू करेंगे, बल्कि हम डायरेक्ट टोटकों पे आ जाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, मैसेज करें, एसएमएस करें, अपने दोस्तों को बताएं कि आज आपकी सेहत के सारे प्रॉब्लम्स हल होने वाले हैं। जब हम वापस आएंगे तो वॉक्स पॉप चलाते हुए आएंगे, आपको पता चलेगा कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमने आवाम से पूछा कि आवाम क्या जानना चाहते हैं एक चम्मच के बारे में, तो उन्होंने जो बताया वो हम आपको भी सुनवाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह और दूसरे तुम्हारी तरह। और मुझे दोनों से नफरत है। सब जायज, बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। जिंदगी और मौत के बीच एक सांस का फासला है, और ये साली सांस निकल के नहीं देती। The new trailer is going to be out on the 15th. ये एक इसका टीज़र था, जो ऑफिशियल ट्रेलर है हमारा वो 15 तारीख को आ रहा है, और 15 ही तारीख को हमारे गाने जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। हम पहला गाना दे रहे हैं, द टाइटल ट्रैक इज़ कॉल्ड दिल फ़कीर, संग बाय राहत फ़तेह अली खान, रिटन बाय मी। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगे। फिल्म बहुत अच्छी है, इसका या आई रोट ऑल द सॉन्ग्स इन द फिल्म। इसका जो जितने टाइटल ट्रैक्स हैं, इसके दो टाइटल ट्रैक्स हैं, एक रास्ता और एक ये दिल फ़कीर, तो ये मेरा ही लिखा हुआ है और साजी ने, हम दोनों ने मिलकर, मैंने और साजी ने मिलकर इसको लिखा है। आई रियली होप कि आप लोगों को ये फिल्म पसंद आती है। फिल्म का एक बहुत बड़ा मकसद है, और मकसद ये है कि हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसमें जो मेरी फाउंडेशन है उसमें ये सारा का सारा पैसा चला जाएगा, एंड जो मेरा प्रॉफिट है वो सारा का सारा वो इसमें चला जाएगा। एंड होपफुली ये 25 बेड का हॉस्पिटल जो है मैं अगले साल बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। जिस जगह ये अस्पताल है उस जगह इस वक्त एक क्लिनिक रन करती है जिसमें हर रोज 130 से लेकर 150 मरीजों का फ्री इलाज किया जाता है। थैंक यू। And this is my chance. अच्छा जी, हम यहाँ पर फरहान के साथ हैं एंड अमरीन के साथ हैं। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा, इस वक्त जो हम देखने जा रहे हैं वो आपका मेहंदी मायो कलेक्शन है, तो हम पहले एक वॉक कर लेते हैं, वॉक के बाद जब वापस आएंगे तो एजाज से बात करेंगे। एजाज आपका तैयार है? Ready. अच्छा, एक ऐसा ट्रीटमेंट याद रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको 5 मिनट में 5 शेड लाइट कर देगा। 5 शेड 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर 5 शेड आपको लाइट कर देगा। आप मुझे कॉल कीजिए, यहाँ तो कुछ लोगों को मैं ये देने जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोग बात नहीं करेंगे। इस ट्रीटमेंट को हासिल करने का सबसे पहली शर्त ये कि आप लोग बात नहीं करेंगे। आप मुझे कॉल कीजिए, जिनकी कॉल्स मिल जाती हैं उनको भी, वरना जिनकी कॉल्स नहीं मिलती हैं उनको भी। 50 कॉलर्स को मैं ये ट्रीटमेंट एजाज का फ्री देने जा रहा हूँ, 50 कॉलर्स को। आज अल्लाह मालिक है,
अगर आज यहाँ कोई फिसल के गिर गया तो प्लीज इल्जाम मत दीजिएगा। आज हमारे लोगों ने इतना सफाई किया है कि वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नहीं हूँ, माइकल जैक्सन का वो मून वॉक कर सकते हैं। बाय एनी वे लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए चलते हैं फरहान एंड अमरीन के डिजाइन हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। निशा इज गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट, पहले लगा वो लगा दीजिएगा, म्यूजिक लगा दीजिएगा और उसके बाद वॉक शुरू की जाए। अच्छा जी, अच्छा थोड़ा सा जरा अपने ड्रेस के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। ये मेहंदी के लिए और मायू के लिए बहुत वो है, और इसके नीचे गरारा है, इसके साथ रेशम और आरी और जरदोजी का वर्क हुआ हुआ है। और थैंक यू। अच्छा थोड़ा सा जरा ये बताइए, ये आपका पीस है जी? कमाल है यार, and I'm talking about the jewelry. Yes. मुझे थोड़ा सा वक्त लगा समझने में। I'm talking about the jewelry. जी प्लीज बताइएगा। I couldn't answer that. This is sterling silver. ये गुलबन जो है white मोती और रूबी में बना हुआ है। यार amazing, तुम्हारी ज्वेलरी कमाल है यार। अच्छा थोड़ा सा शायद वहीं से बताओ मुझे कि तुमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट उसमें यूज़ किया है, इसमें रेड यूज़ किया है तुमने, इसमें ग्रीन कहीं से भी नहीं है और रेड इसमें कहीं एक जगह नजर आ रहा है, तो इट्स इज कॉम्प्लीमेंटिंग समहाउ। बेसिकली ज्वेलरी नीड्स टू बी, शायद आपको थोड़ा सा अंदर होना पड़ेगा ताकि कैमरा देख ले। ओके जी जी, ज्वेलरी जो है वो कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए ड्रेस को, 100% मैच नहीं करनी चाहिए, ताकि वो दोनों चीजें उठ के बाहर आए। अच्छा जी, अब मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा, एक ही मरतबा समझ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा एंसेंबल जो है ये आपको मिल सकता है अभी कॉल करने पर। आप अभी कॉल कीजिए, जीत लीजिए ये पूरा का पूरा एंसेंबल, फरहान अमरीन का ये ड्रेस, शाहिद की ये ज्वेलरी, ये आपको मिल सकती है। लेकिन उसके लिए मेरा कैमरा यही है ना, कौन सा कैमरा, चलो कोई भी हो, इट डजंट मैटर, ये आपको पूरा एंसेंबल मिल सकता है। प्लीज थैंक यू वेरी मच जी, आप जरा सामने आइएगा। अच्छा ये मुझे बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, सिल्वर के साथ आपने इसके अंदर जो वर्क किया वो टर्कोइज का किया है, वेरी नाइस, एंड सम गोल्ड इज देयर। हां जी, एंड गोल्ड एंड सिल्वर वर्क है, और इसमें भी ढाका पजामा है, एंड ये इसका पूरा जरदोजी वर्क है। अच्छा
थोड़ा सा जरा इनका ये बता दीजिएगा। तो I'm assuming Zardozi work is in. Yeah, very in, yeah? very in, very in. इसमें भी दोबारा हमने कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन किया है, सिल्वर के साथ शैंपेन डाला है और ये भी चांदी में बना हुआ है। दिस इज ऑल हैंडमेड, दिस इज ऑल हैंडमेड, दिस इज ऑल हैंडमेड। अच्छा, जस्ट मेरी नॉलेज के लिए, अगर ये बाजार में लिया जाए जी, आई नो आर्ट की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन कितने का होगा अंदाजा? शुड बी 35 से 40 हज़ार। 35 से 40 हज़ार। मैं आपको 35 से 40 हज़ार का ये सेट और ये पूरा एंसेंबल आपको देने जा रहा हूँ, आपको सिर्फ मुझे कॉल करना। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट कॉल मी। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगैन, आप इसका वर्क देख सकते हैं, इसकी वर्कमैनशिप देख सकते हैं, साथ साथ इसको देख सकते हैं, नेकलेस को देख सकते हैं, इसके इयररिंग्स दिखा दीजिएगा जरा। इयररिंग्स जरा प्लीज दिखा दीजिए, इधर 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 ले लीजिए, इयररिंग्स को देख लीजिए, इयररिंग्स को देख लीजिए, इयररिंग्स को देख लीजिए, इधर देख लीजिए, वहाँ वो बनाएंगे। अच्छा, वो बनाएंगे, देख लीजिए कौन बनाएगा इयररिंग्स। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई, तुझे बनाना था ना? हाँ, आप मुझे बोला नहीं था, मैं बोल रहा हूँ ना, हमारा घर का शो है, कोई बात नहीं, हो जाता है, सुनते नहीं है ना अपने, लगे हुए टेक्स्टिंग के अंदर। बेबी, मैं अभी शो के अंदर हूँ, बेबी 11 बजे बताऊंगा, बेबी। और मिसेज का मैसेज आता है, उसको देखते ही नहीं है, बेबी का मैसेज आया, मिसेज को कौन देख रहा है? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो प्लीज थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाइए जल्दी, आपका नाम क्या है? आलिना। आलिना की क्या कमाल ड्रेस है यार, बहुत खूबसूरत, वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल वर्क, एंड जस्ट इट लुक्स अमेजिंग। इसको रंग को क्या बोलते हैं? मेहंदी, ऑलिव ग्रीन है। ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, एंड आई लव व्हाट यू हैव डन हियर, ये तो कमाल ही है। कॉम्बिनेशन करते हैं यार, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। इसका जरा नेकलेस पे जरा फोकस कीजिएगा, अगेन शैंपेन कलर। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा का सारा आपको मिल सकता है, आपने सिर्फ कॉल करना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ जाइए प्लीज। हियर वी गो मैम। एक ऐसे पूछ रहा हूँ, फरहान एंड अमरीन, प्लीज टेल मी, ये पूरा ये जो ड्रेस है ये कितने का होगा अंदाजन? ये अराउंड 70 to 80,000 का होगा। 80,000 का ड्रेस, अबाउट 40 to 50,000 और मोर। यू राइट, 40 to 50,000 का नेकलेस एंड देन माथा पट्टी सब आपका, सिर्फ मुझे कॉल करना है, दैट्स ऑल। अभी कॉल कीजिए, अभी एंड विन इट। छोटा सा एक ब्रेक, आप समझते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक कमाल रेसिपी है आपके लिए, रेमेडी है, आप उसे लगाएंगे और 5 मिनट के अंदर अंदर आप 5 शेड लाइटर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, छोटा सा एक ब्रेक, आप समझते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दैट वाज वंडरफुल, दैट वाज लवली। और इन तमाम मॉडल्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर डांडिया किया, आई जस्ट लव डांडिया। आई थिंक हम लोग पैदा ही डांडिया करने के लिए हुए हैं, कभी हम लोग गैस की लाइन में डांडिया करते हैं, कभी हम लोग पानी की लाइन में डांडिया करते हैं, कभी बिजली की लाइन में डांडिया करते हैं, बट हम लोग डांडिया कर रहे होते हैं, इधर कर रहे थे, खुदा का वास्ता, बट यू नो। एंड लेटली हमने ये सुना है कि पाकिस्तान बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा, तो आई गेस ये भी बड़ी अच्छी बात है, जिन इंशाल्लाह तब्दील हो जाएगा कभी ना कभी। तो आप लोगों को उम्मीद होगी, मुझे तो जरा भी नहीं, लेकिन बाहर कोई बात नहीं, गिरा कोई गिरा। एक काम करो यार, तुम लोग ना एक पिस्टल लो और खड़े रह के मुझे मार दिया करो, मैं अपनी टीम से कह रहा हूँ, क्योंकि ये ना बगैर इसके तो काम चलेगा नहीं। मैं लाइव शो कर रहा होता हूँ और ये ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे इनके घर में घूम रहे हैं, कोई किन्नू खा रहा है, कोई मौसमी खा रहा है, कोई केला चबाता हुआ जा रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है। हाँ भाई, क्या कैमरे के सामने आ रहा हो, ठीक ठाक हो क्या?
शो तो कहा था घर का शो है, मतलब घर का शो है। हाँ बिल्कुल घर का शो है। आज क्या कर रहे थे बता दो। मैंने भी एक मिंत्रा को सैंपल लगाया है। हाँ कितनी शर्मिंदगी, काले लोग गोरे हो गए भाई। क्या मतलब काले लोग गोरे हो गए? तो मैंने मैंने ये तो बोला गाड़ी चलाते में ग्लव्स तो नहीं पहनती, राइट? बट लुक एट दिस, द लाइन इज एक्चुअली यार पहली खातून है जो कह रही है साइकिल पे ग्लव्स नहीं पहनती मैं। मैंने कहा कि मैं गाड़ी चला, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, दो पहियों की साइकिल है। प्लीज बैठ जाओ, तुम प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू सो भाई जी। प्लीज अच्छा जी, हमने किसको शुरू करने? वाइटनिंग शुरू, वाइटनिंग क्लींजिंग, और फिर हेयर आपका अच्छा मुझना अपना हेयर ट्रीटमेंट भी कराएंगी। अच्छा न सिर्फ हम आपको व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट बता रहे हैं बल्कि हेयर ट्रीटमेंट भी देने जा रहे हैं, जिससे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। जी आपके बाल लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग भी होंगे और बाल घने मतलब मजेदार हो जाएंगे आपके। ओके और कोर्स हेयर जो होते हैं स्पेशली जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं बालों के उससे खत्म हो जाता है। जस्ट दूसरे हाथ पे भी लगा, मैं भी पूरे पूरे भी लगा दूं, पूरा ट्रीट करता हूं अपने आप। पहले बताइए जरा कहाँ लगाने जा रहे हैं, किनको किस किनको लगाने जा रहे हैं हम? आई थिंक उनका कलर जो है वो थोड़ा सा जरा मुझे दबा हुआ लग रहा है। इनका हाँ इन द मिडिल इनका अपने ये रिमूव करके थोड़ा सा एप्रन लगाओ, मैं इनको वाइटनिंग करता हूँ। और इनका एक्ने का प्रॉब्लम है, इनको एक मास्क अप्लाई करता हूँ जिससे इनके एक्ने अभी आपको इंशाल्लाह फौरन खत्म नजर हो। आपको लगेगा कि एक्ने फौरन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, फौरन फौरन मतलब बैठ जाएगी, लाइट हो जाएगी, वो काफी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा जरा थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए, मुझे माइक दीजिए। सारा टॉपिक कर लीजिए जी। व्हाट इज योर नेम मैम? वर्दा। वर्दा अगर जरा क्लोज कीजिएगा वर्दा के, वर्दा के जो पिंपल के प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर भी हैं, एक्ने के प्रॉब्लम यहाँ पर भी हैं, ऊपर यहाँ पर भी हैं। अच्छा जरा सी कुछ टू टोन स्किन भी हुई हुई है और यहाँ भी एक्ने का प्रॉब्लम है। बहुत सीवियर केस नहीं है लेकिन विजिबल है। अच्छा खवातीन के लिए बड़ा मसला होता है कि अगर एक्ने इतनी विजिबल हो तो वो थोड़ा सा मेकअप ज़रूर करती हैं। मेरे ख्याल में अगर आपकी एक्ने चली जाए तो आपकी फ्लॉलेस स्किन है, आपकी बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी। आपका नाम क्या है मैम? आपका शानजा। ओके शानजा जो है उनका वैसे तो स्किन बहुत अच्छी है, इट्स इज रियली नाइस, लेकिन कलर जो है वो धूप की वजह से थोड़ा सा फेड हुआ है। तो आज आई थिंक 4 से 5 शेड्स लाइट हो जाएंगे तकरीबन, 4 से 5 शेड्स। अच्छा इनका बिफोर एंड आफ्टर हमको बनाना है तो प्लीज बना के देख लीजिएगा। दिस इज समथिंग दैट रोमेरो हैज इन्वेंटेड, रोमेरो ने खुद ये एजाज ने खुद बनाया है। ये चीजें मेरी सर अपना प्रोडक्ट है। आई से समथिंग, यस प्लीज। देयर इज अ प्रॉब्लम विद पीपल हु गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट टू ट्रीट एक्ने। मैं हमेशा से यंग लड़कियों को जिनकी शादियां नहीं हुई हुई हैं या जिनकी शादियां हो गई और बच्चे नहीं हुए हुए हैं, जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं जो सबसे पहली चीज़ वो आपको लिख के देते हैं वो है विटामिन ए की बहुत हाई डोज, रेटिनोइक एसिड कहते हैं उसे। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट अबाउट रेटिनॉल, इट्स अ वेरी हाई डोज ऑफ विटामिन ए और ये कंसीव करने में बहुत इश्यूज क्रिएट करती है यंग लड़कियों में। प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा अवेयर कर दो। वो तो पूछते नहीं कि जी आपकी शादी हो गई, बच्चे प्लान कर रहे हैं आप, वो ज़्यादा से ज़्यादा दे आज के प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो मेक श्योर कि आप लोग अपने आप को इतना अवेयर कर लें कि हाई डोज विटामिन ए से बचें। इट वर्क्स, वो एक्ने को वाकई ख़त्म कर देती लेकिन बाकी सब कुछ भी ख़त्म हो जाता है। थैंक गॉड, अगर मुझसे कोई डॉक्टर पूछे प्रेगनेंट तो नहीं हो मैं हमेशा कहूँगा नहीं। You know, सीधी सीधी सी बात है। हाँ थैंक गॉड जी। प्लीज बताइएगा हम क्या हम शानजे के पहले हम शानजे के वाइटनिंग कर रहे हैं पहले। अच्छा ये देख लीजिएगा प्लीज इसको, आप इधर आ जाएं ताकि नजर आता रहे। मतलब इसके अंदर क्या है ये नहीं बताएंगे आप ना? ये इंग्रेडिएंट है, मैं नहीं बता सकता। तुम सबकी दुकान बंद करवा दो आज ना। मैं क्यों आई? मतलब किस तुम क्यों आई? अच्छे सवाल अच्छे करो उनसे, पूछे नहीं रेसिपी तो बताओ ना क्या कैसे बना कैसे रहे हो ताकि कोई इसके पास जाए ना। वैसे मैं तो रेस्टोरेंट के अंदर भी जाकर रेसिपी पूछती हूं ना, लाइक अब तो मैं एहसास हुआ ना कि रेस्टोरेंट वाले तुमको क्यों नहीं घुसाते अंदर। बिकॉज दे डोंट लाइक यू, दे डोंट। अच्छा तो प्लीज बता दीजिए इनके यहाँ यहाँ तक आप लगाएंगे जी? आप ये देखिए इनके फेस के ऊपर पैचेस भी हैं छोटे छोटे से स्किन। अच्छा ये टू टोन स्किन हो रही है जी? टू टोन हो रही है। टू टोन तो ये भी ठीक हो जाएगी, ये भी बेहतर हो जाएगी। ओके जी तो टू टोन स्किन जो है वो भी बेहतर हो जाएगी और इनके जो जरा से एक्ने की प्रॉब्लम है वो भी इससे सॉल्व हो जाएंगे, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और स्पेशली आप ये देखें ये लोअर एरिया जो होता है लिप्स के सराउंडिंग लिप्स, ये ब्लैक है, लड़कियां खवातीन के मोस्टली डार्क हो जाते हैं, मतलब एक एज में सर्टेन एज में आके ये टोन चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा ये क्लींजर जो है ये व्हाइटनिंग एक्सीलेंट इसका रिजल्ट। अच्छा ओके जी लगाइए और सिर्फ 5 मिनट के अंदर, ये 5 मिनट के अंदर की रेमेडी है और ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपको 5 मिनट के अंदर अंदर पता चलेगा कि किस तरह से हम इनका शेड को लाइट करते हैं। और 4 से 5 डिग्री लाइट हो जाएगा, 4 to 5 degrees 4 से 5 दर्जे लाइट हो जाएगा। इनकी अभी क्लींजिंग जारी है। वर्दा की यस मैम, वहाँ पे जूते और पर्सेस भी हैं जी, अभी चलते हैं वहाँ पे, चलते हैं। You need them, right? जूते मतलब obviously. मैं सारे try करी मेरे size के नहीं।
क्या बोलूं साइज के नहीं, अब ब्रेक में बंदा क्या करे ना, जूते ही ट्राई करेगा, नहीं सॉरी यहाँ इधर नहीं बुलाएगा शो पे। नहीं नहीं हमारे पास लोग नहीं होते, हम तुम्हें बुलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई आपकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए होते हैं, मुजना इज वन ऑफ देम एंड आई कैन प्राउडली से दैट शी इज माई फ्रेंड एंड ऑनेस्टली शी इज ऑसम, शी इज अमेजिंग, दिस इज फॉर मुजना। टेलीफोन कॉल्स हैं, अब जरा मदद करो मेरी, टेलीफोन कॉल लो। हेलो हेलो कौन है? हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है मुजना, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात करी, कहाँ से? मैं नादिया बात कर रही हूँ कराची से। नादिया क्या कहोगे? मुझे साहिब भाई से बात करनी है। वो सुन रहे हैं आपकी बात, वो क्लचेस देख रहे हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। अगर आपको ये पर्स चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, ये क्लच भी मैं आपको दे सकता हूँ। साहिब भाई मुझे आपसे बात करनी थी, मुझे सिर्फ क्लच नहीं चाहिए, मुझे जो है वो ग्रीन वाला ड्रेस दिखा रहे थे वो चाहिए, आज मेरी मेहंदी है। मेहंदी कलर का जो आपने बोला फरहान कौन सा था, वो ऑलिव वाला था ना विद गरारा, ओके दे 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 दिया। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन भाई, पांव दबाने पड़ते हैं, हाथ वाथ दबाने पड़ते हैं, मसाज करना पड़ता है। प्लीज मुझे बताइए क्या वो आपकी ज्वेलरी जो है वो भी दे सकते हैं? दे दे सर, दे दे दिया। एक मिनट आप, अरे होल्ड यार, मुझे बताओ इसमें मेरी हेल्प करो, वो उसके साथ जाएगा कौन सा क्लच, कौन सा? दिस वन, मतलब साहिर गोल्ड कहा मैंने तो गोल्ड इज दिस, यस करेक्ट, दिस वन है ना, जाएगा जाएगा ये वाला है, ये वाला ओके ओके ये वाला जाएगा, ये वाला हाँ, तो ये नादिया ये आपके लिए, दिस इज आल्सो गोइंग टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई लाइक दिस, आई विल टेक दिस, व्हाट, मतलब आई लाइक दिस, आई वांट टू टेक दिस, वालिद का शो है, वालिदा का शो है, कोई बात नहीं, कुछ भी ले जाओ यहाँ से, कोई कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कह रहा है घर का शो है, घर का शो, मैं घर, अरे इतना भी घर का शो नहीं है, टाइप बन गई तो प्लीज नो नो नो, मतलब इसको चुप कराओ यार, छोटा सा एक घर के शो में तो ऐसे ही होते हैं ना, है ना, और ऐसे ही होता है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, छोटा सा एक ब्रेक, मेहमान और मेहरबान का। ब्रेक में हम लोग यहाँ पे एक गाना कर रहे थे, वो हमें दिल चाह रहा था, एक गाना है मन डोले मेरा तन डोले, वो इंडियन गाना, तो नागन का हम लोग गाना कर रहे थे, तो यहाँ पर एक साहब ने नागन का रक्स किया था, वो आप लोग देख नहीं सके, वो एक ऐसी नागन थी कि उससे ना नाक बहुत दहशत ज़्यादा हो जाए, बट सीरियसली थैंक यू शानी, बहुत शानी के लिए बहुत सारी तालियाँ। ऑलराइट जी जी सलमा बताइए क्या कर रहे हैं हम लोग? ये हेयर मास्क है, ठीक है, और जो विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है, ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ आप उस टाइम बोल रहे थे कि फेस को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, लेकिन बालों को सर्दियां गर्मियां गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, लूप वाटर हो हल्का सा, गुनगुना सा, हल्का सा वार्म वाटर हो चल जाएगा, लेकिन यह कि गर्म पानी से धोएंगे तो ड्राइनेस बहुत बढ़ जाएगी। खवातीन को जगह दे दो भाई, आप लोग क्या कर रहे हो, उससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बाल घने हो जाएंगे और चमकदार हो जाएंगे, am I right? जी बिल्कुल। अच्छा सर आपने इतनी दफा तस्करा किया है मेथी दाने का, हाँ रात को भिगो के, हाँ जी ठीक है, ये रात को भिगोया हुआ मेथी दाना है और इसको हम लोगों ने पीस लिया है, तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ चम्मच की बात आ रही थी, यहाँ सर्विंग स्पून यूज कीजिएगा, ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक सर्विंग स्पून आपने मेथी दाना इसके अंदर डालना है। अच्छा ये बहुत गौर से देखें, बिकॉज ये बहुत चलती है रेसिपी, बहुत ज्यादा चलती है, मैंने पहले भी बताई है, अब दोबारा सलमा इसको बता रही है, दिस इज रियली गुड। एक सर्विंग स्पून इसके अंदर दही चला जाएगा, ठीक है, दो अंडे की जर्दी चली जाएगी,
किसी को बालों का प्रॉब्लम है यहाँ? बालों का प्रॉब्लम है, कौन लगवाना चाहता है? आप लगवाना चाहती हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कम कम कम, फास्ट 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 आइए जी। खोपरे का तेल है इसके अंदर, 1 टेबल स्पून अच्छी तरह भर के डालना है। उधर से जी। अच्छा, जितना हो सकता है सर्दियों के अंदर आप यूज करें बादाम रोगन। नॉर्मली भी अगर आप नहाने से आधा घंटा पहले बादाम रोगन लगा लेते हैं तो आपको कंडीशनर की जरूरत खत्म हो जाती है, और जो आजकल बाल बहुत ओढ़ते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, वो खत्म हो जाएगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर बादाम रोगन है। ये 4 तेलों का मिक्सचर है, जैतून, बादाम रोगन और खोपरे का, और सॉरी रोजमेरी साथ में। रोजमेरी डालने या एसेंशियल ऑयल डालने, दोनों में से कोई है। अच्छा, ये तकरीबन बन गया है। हाँ, तकरीबन बन गया, बस एक मास्क बन जाएगा ना। इट्स अ कंप्लीट मास्क। अच्छा, थोड़ी सी वो ले लीजिए, पहन लीजिए, आप मदद करेंगे। अच्छा, मैं इनको अप्लाई लगाना है। जी बिल्कुल लगाना है। हमने इनसे इनसे बात करनी है, इनसे पूछना है कि क्या मसाइल क्या है इनके बालों के। सलाम अलैकुम जी। अच्छा सुन लीजिए जरा, ये बहुत बहुत गौर की बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। 1 साल हो गए, मेरे बाल बिल्कुल भी ऐसे घने थे, बहुत कम हो गए, बिल्कुल गिर गए। ओके okay. अच्छा, ऑनेस्टली इट्स रियली अलार्मिंग जिस तरह से इन्होंने, क्या नाम क्या आपका? मिसबा। मिसबा ने जैसे बाल बनाए हुए हैं तो लग नहीं रहा कि इनके बाल कम है, लेकिन अगर यहाँ हाथ लगाएं तो यहाँ से बिल्कुल लाइट है। हाँ, इनके लाइट है, इस वजह से हेयर स्टाइल ये वाला बनाया है, हद से ज्यादा लाइट है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आज के बाद हल हो जाएंगे आपके, आज के बाद ये मसला आपका हल हो जाएगा। इसको यू हैव टू ओपन दिस, आप दूसरा हेयर स्टाइल भी बना सकती हैं क्योंकि आपके बाल अब आने वाले हैं जल्दी जल्दी। हाउ ओल्ड आर यू मिस वाइफ आई मे आस्क, कितने साल की उम्र है आपकी? 18 साल। वाह, छोटी, यहाँ पे आ जाए। 18 साल की उम्र में बाल कम हो गए हैं, ये तरकीब जो हमने बताई है, ये सलमा एक मरतबा फिर बता दीजिए। सबसे बड़ी वजह जाहिर इस वजह से भी है कि बच्चियाँ अपनी बालों की उस तरह कहने की, जिस तरह बाल हर वक्त बंधे रहे ना तो भी स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक मरतबा इससे पहले कि हम उनको लगाना शुरू करें, मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या क्या चीजें शामिल है इसमें। मेथी दाना पिसा हुआ 1 सर्विंग स्पून मैंने डाला है, 1 सर्विंग स्पून दही डाला है, 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल डाला है, 1 टेबल स्पून जैतून का तेल है, 1 टेबल स्पून रोजमेरी ऑयल है, 1 टेबल स्पून बादाम का तेल है। अच्छा जी, और 2 अंडे की जर्दी है। ये तरकीब चल भी रही है, साथ साथ ये यहाँ पर शुरू हो गया है लगना। आप ये ट्रीटमेंट जो है, ये हेयर ट्रीटमेंट ये हो रहा है, ये आप घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आपके बाल जा रहे हैं या बाल डैमेज हो गए हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा हेयर ड्राइंग की वजह से भी खराब हो जाता है ना, बहुत ज्यादा पीछे से कितने खराब है, ये कटिंग भी नहीं लेती है। अच्छा, एक को तो कटिंग करवा, थोड़ा सा मुझे भी इस सिलसिले में कुछ तो पता चल गया है। आई थिंक आपके बालों की सेहत उसी सूरत में मुमकिन है जब आप रेगुलरली अपने बालों को काटें, क्योंकि आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं वो आपके बालों को कमजोर करते हैं। और आपको एक और बात हैरतअंगेज बात बताऊं कि बाल आपके जड़ से कमजोर नहीं होते, बल्कि ऊपर से उनकी थिनिंग शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो बिल्कुल थिन हो जाते हैं। तो जब ऐसा कोई थिनिंग का प्रोसेस शुरू हो तो मेथी बहुत कारामद है, ये जो तरकीब सलमा आसिम ने बताई है, इसको आप इस्तेमाल करें और आपके बाल सेहतमंद हो जाएंगे। एंड ऑनेस्टली इट वर्क्स और बड़े अच्छे, बड़े बाउंसी, बड़े उसमें वॉल्यूम आ जाता है और सॉफ्ट और सिल्की होते हैं। वैसे ही मेथी दाना बहुत अच्छा है बालों के लिए। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, आधा चम्मच लीजिएगा, आधा चम्मच, कितना? आधा चम्मच सुरमा लीजिएगा, खालिस सुरमा, उसको हल्का सा पानी के साथ मिलाइएगा और उसको एप्लीकेशन कीजिएगा, लगाइएगा, आपके बाल और बेहतर हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आधा चम्मच सुरमा लीजिए, आधे चम्मच में आधा ही चम्मच पानी मिलाइए, वो एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, उस पेस्ट को अप्लाई कीजिए और उसके बाद उसको खूब रगड़िएगा 5-7 मिनट तक, और उसके बाद 15 मिनट के बाद उसको धो लीजिए, एंड दैट्स इट, और इंशाल्लाह आपके बाल और मजीद आ जाएंगे। हाँ जी, ये 30-40 मिनट्स एप्लीकेशन है इसकी, इससे ज़्यादा देर। जी जी जी, प्लीज़ बताइए। अच्छा, दूसरी रेसिपी हम फॉलो करते हैं, किसी ने क्वेश्चन किया था फटी एड़ियों का, तो मैं वो फटी एड़ियों के लिए आपको बता रही हूँ। और इसके लिए हमें चाहिए पिसे हुए हल्के, बहुत हल्के पिसे हुए चावल, ये एक स्क्रब सा बन जाएगा वो है, लेकिन पहले आप ना 2 शलजम लेकर उसके 4 टुकड़े करके उस पानी को उबाल लें, और ये बड़ी मानी हुई रेसिपी है, क्योंकि जो जैसे मजदूर हैं या कुछ भी हैं जिनकी बहुत ड्राई होती है स्किन, लाइक ब्लीड करनी शुरू कर जाती है बड़ी पुराने, तो वो उनके लिए इतना अच्छा है, ये इतनी जल्दी उनकी स्किन। अच्छा, ये घर में बन जाती है, ये बेहतरीन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देयर इज नथिंग। ये अब मैंने पानी उबाल के रख लिया है, इस तरह आपने बॉयल कर लेना है और इसको आपने बड़े टब में डाल लेना और उसमें पैर डिप करके रख देना। इसमें सिर्फ डालना क्या है, आपने सॉल्ट डालना है 1 टेबल स्पून और सरसों का तेल आप डाल के रख लीजिए। अच्छा, और शलजम है, जस्ट कुछ भी दिखा, नहीं दिखा दीजिए मैं ताकि दिखा सकूं, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ रख रहा हूँ मैं, ये देखिएगा, ये देखिएगा,
ये इसमें पानी है और पानी के साथ शलजम मिला हुआ है और शलजम के साथ हल्का सा इसमें नमक डालना है एंड दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट जी अच्छा अब इसके अंदर है बनाया है हमने ये शी इज आस्किंग मी कि कितना टाइम लगाना है 30 टू 40 मिनट्स आपको लगाना है और अभी कैसा लग रहा है आपको ठंडा लग रहा है ना अच्छा यहाँ नहीं लगाया आपने फरा इस जगह सामने के बाल जो है फरा जी अगर बाकी यहाँ नहीं लगाया मैं सामने इस वजह से नहीं लगाया मैंने कहा इनके हेयर स्टाइल ना खराब हो जाए स्टाइल बचाने के लिए मैंने किया था पूरा वो हो जाएगा ये ला दो आपको हम दे देंगे ये वाला आप घर में अपने पूरे बालों में अच्छी तरह से इसको मसाज कर लीजिएगा लगा लीजिएगा फिर तक 45 मिनट्स के बाद वॉश कर लीजिएगा ठीक है हम आपको ये साथ देंगे ठीक है तो आप ये साहिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून ये अच्छा एक सेकंड ये बार बार कह रही है वॉश कर लेना एक बात मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ जब भी आपने अपने बाल वॉश करने हैं वैसे तो आप देसी टोटके बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ जब भी आपने अपने बाल वॉश करने हैं बेबी शैम्पू से वॉश करने बिल्कुल सही लिटरली बेबी शैम्पू से इट कुड बी एनी बेबी शैम्पू लेकिन अपने बेबी शैम्पू से आपको अपने बाल वॉश करने हैं उससे आपके बाल डैमेज नहीं होते क्योंकि बेबी शैम्पू में केमिकल्स कम होते हैं बहुत लेस केमिकल्स होते हैं कभी कभी बिल्कुल नहीं होते कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं तो बहुत नेचुरल शक्ल के अंदर आपको मिल जाता है तो मेक श्योर क्योंकि जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगी हैं अगर आप अवेडा इस्तेमाल करते हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव आप नहीं ले सकते अवेडा को पाकिस्तान में नहीं लिया जा सकता बहुत एक्सपेंसिव होता है लेकिन हर्बल जो बेबी शैम्पू होता है उससे जब आप अपने बाल धोएंगे तो बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे जी शर्मा अच्छा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पहले हमने इसमें पाउंड डिप कर ली है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए उसको हल्का सा स्क्रबिंग कर लिया है ठीक है हम ब्रश कर लें साफ़ कर लें उनको अच्छी तरह और उसके बाद ये 4 टेबल स्पून मैंने हल्के पीसे हैं ज़रा दरदरे से रखने हैं चावल इनको आप डाल लीजिए और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन ठीक है ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर है 2 टेबल स्पून ये बना के रख सकते हैं ये बना के रखते हैं लेकिन जितनी आपको यहाँ पर रेमेडीज बताई जाती हैं इसको फ्रेश बनाए तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए ये रोगने जैतून है 2 टेबल स्पून ठीक है और इसमें बादामों का तेल जाएगा 2 टेबल स्पून बादाम का अवेलेबल ना हो तो सरसों का ऑयल डाल सकते हैं बादाम का इसलिए कि बादाम का जरूरी है ये साहिर बस हो गया इसमें कुछ भी नहीं और इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने मेयो डाली है मायनेस ठीक है दैट्स इट अब इसका आप मसाज कीजिए और 20 टू 40 मिनट्स इसका मसाज कीजिए पैरों को पहले इसमें डिप कर दीजिए और उसके बाद इसके साथ मसाज कीजिए और 15 से 20 मिनट मसाज करने के बाद उसको वॉश कीजिए अच्छा एक सेकंड कंफ्यूजन होगा पहले बता दें कि जी आपने ये पानी लेना है उसके बाद इसको पाँव को इसमें डिप कर देना है पानी के अंदर पानी के अंदर अपने पाँव डाल के ऐसे बैठ जाना है जब आप पानी में पाँव डाल के बैठ जाएंगे 5-10 मिनट के बाद उनको निकाल लें उनको ड्राई करें ड्राई करने के बाद ये जो क्रीम बनाई है ये अपनी एड़ियों के गिर्द पंजों के गिर्द अपने हाथों में ये लगा लें तो आपकी जो जो फटी हुई जिल्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारा एक नया प्ले शुरू हो रहा है 17 तारीख से इट इज़ कॉल्ड सीता भागरी उसका OST है तो वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कमाल किस्म का गाना है इसको ज़रूर सुनिए और ज़रूर देखिए मेक श्योर 17 तारीख को आपने सीता भागरी के अलावा कुछ नहीं देखना है वॉच दिस आज जो भी चाय लेके आता ना उसको जाके माथे पे बोसा देना यार भाई कमाल मैंने चाय पी आज 2 कप पिलाए दोनों ठंडे और बहुत अच्छे तुम जो भी हो जहाँ भी हो जब भी तुम जाओ इस दुनिया से अल्लाह तुम्हारी मगफिरत करे और रोज़े महशर जब भी मेरी तुम्हारे से बात होगी ना मैं जब हम आमने सामने होंगे मैं तुम पे केस करूँगा तुम याद रखना पनामा लीक्स का केस नहीं हो सकता लेकिन चाय का केस हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है आइए जी
जी सरकार, 12 मिनट हमारे पास, बताइए क्या करने वाले हैं। हम शुगर का नुस्खा बताएं। बताओ बताओ। शुगर का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा है, और हर्बल की जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी टोटके घरेलू इस्तेमाल होते हैं, जिसमें करेला, जामुन की गुठली, ये आम गुड़मार बूटी, ये आम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये नुस्खा तिब्ब नबवी से है। यार हम लोग जरा इसमें हमने खड़े हो जाए, कुछ अजीब सा शो लग रहा है। क्यों भाई? थोड़ा सा खवातीन आ जाए, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग पता नहीं फिर हमारे बारे में क्या समझेंगे। हम तीन लोग आराम से खड़े हुए। जी प्लीज बताइए। हमने एतराज किया नहीं, नहीं जी प्लीज बताइए। अच्छा, कलौंजी, कस्ते शिरी, मेथी दाना और तुख्मे कासनी। कौन सा? तुख्मे कासनी। अच्छा, ये नुस्खा जो है ये हदीस से है। ओके। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हैं कलौंजी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, ये मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसके अलावा फिर मेथी दाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर मेरी उम्मत को इसकी कदर का पता चले तो इसे सोने की तोल में भी खरीद ले। बिल्कुल। अच्छा, कस्ते शिरी के बारे में बहुत सारी सही मुस्लिम से अहादीस हैं कि इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, शुगर का हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा कि जब हम शुगर की बात करते हैं तो अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कीजिए, अपने फिजिशियन से ज़रूर मशवरा कीजिए, एट द सेम टाइम हमारी रेमेडी भी इस्तेमाल। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो कोयले की कान से करे खल्क जवाहिरो गोहर, जिसने रखे घास के तिनकों में मसीहाई के जोहर, वाह वाह, जो कादिर अपनी कुदरत से करे पत्थर को पारस, वही मौला रहीम व हकीम है शिफा का वारस। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की अफादियत जो है वो काफ़ी सारी बयान की है, हमें ये इस्तेमाल करनी चाहिए। दीगर भी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते रहें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। कलौंजी, कस्ते शिरी, मेथी दाना, तुख्मे कासनी, एक एक चम्मच ले लें, बारीक पीस के रख लें इसको, आधी चम्मच इसकी सुबह शाम इस्तेमाल करें खाली पेट पानी के साथ, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा बड़ी अच्छी सी अगर क्रीम बनाएंगे और साथ में ट्रीटमेंट भी करेंगे, ये TV1 की तरफ से, साहिर के प्रोग्राम की तरफ से आपके लिए हर वीक होगा। वाइटिंग इंजेक्शन भी खातून के लगाएंगे, टाइटिंग भी करेंगे। अच्छा, झाइयों की भी इंजेक्शन आज लगाएंगे, ठीक है? झाइयां बड़ा खवातीन का कॉमन। अच्छा, मुझे मुझे पहले बताइए झाइयों का किसको प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है, आप आ जाइए इधर, आप आ जाइए। अच्छा मुझे बताइए कि किसी को जवान होना है? नहीं नहीं, वो वाइटिंग का इलाज है। जो आप घर में इस्तेमाल करेंगे, रंग बड़ा खिलेगा, झाइयां जाएंगी, बहुत खूबसूरती आएगी। एक चमचा के खूबसूरत नुस्खे, एक चमचा गुलाब की पत्तियां, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे एक चमचा। क्या आप आ जाए, कूद जाए, आ जाए, मैं कैच कर लेता हूँ ना, आ जाए ना। क्या हुआ, आपके झाइयाँ ज्यादा हैं? आप हम दो लगा सकते हैं? दो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा, आ जाइए, आ जाइए, और क्रीम भी देंगे भाई। जी जी प्लीज, साहिर आपको क्रीम भी देंगे, बड़ी जबरदस्त वाली। जी आगे, एक चमचा ग्लिसरीन, एक चमचा शहद, एक चमचा डालेंगे इसके अंदर मक्खन। ये मैं थोड़ा सा ये ढकना निकाल रहा हूँ, मक्खन भी डालना है, मक्खन बड़ी जबरदस्त मक्खन लगाना है इसमें, एक चमचा, एक चमचा मक्खन या कोका बटर या पीनट बटर, उससे क्या होगा स्किन आपकी बड़ी जो रूखापन होता है वो बड़ा एक फ्लफी सी आ जाएगी। ओके, साथ में डालेंगे जी एक चमचा किशमिश, ये आपकी स्किन टाइटनिंग में अमेजिंग। अच्छा, ये लगाने के लिए तरकीब है, ये लगाने के लिए। ओके, मक्खन, किशमिश, दही। अच्छा, ये चीजें घर में आम इस्तेमाल में, आम इस्तेमाल में, जो घर में रखी हुई है, जो आपको खरीदना भी नहीं है बाहर से, ठीक है, ठीक है। एक चमचा ये डाला, चुटकी आपने डाली हल्दी, और इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा आपके घर में मौजूद होगा बादाम का तेल, एक चमचा बादाम का तेल, ठीक है। बस ये चीज़ें तैयार हो गई, मैं फिर से बताता हूँ। इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या किया जी, दही आपने इसके अंदर, किशमिश, मक्खन, ग्लिसरीन, नारियल का तेल, मीठे बादाम का तेल, शहद, और इन तमाम चीज़ों को गुलाब की पत्तियों के साथ मिक्स किया। चाहे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, रोज वाटर, ऐसे भी चल जाएगा मामला, बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ी अच्छी क्रीम तैयार होगी जो झाइयों को और रंग को बड़ा निखारेगी। अच्छा, पिगमेंटेशन के बारे में नॉर्मली कहा जाता है कि कभी जाती नहीं है, क्या सही है? नहीं सर, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल जाती है, थोड़ा मेहनत बड़ी रिक्वायर्ड है, बिल्कुल। देखिए क्रीम भी तैयार। साइलेंसर, अगर आप लोग थोड़ा सा चुप होंगे तो आई थिंक बात आसानी से हम समझ जाएंगे। देखिए ये क्रीम का ये टेक्सचर, ये बड़ी जबरदस्त आपके लिप्स को गुलाबी करेगी, आपके हल्कों को गायब करेगी। जी सर, वाह, बिल्कुल
क्रीम बिल्कुल तैयार है और रंग को बड़ा हमने ये क्रीम बना ली, क्या ये तीनों को लगेगा? तीनों को लगेगी, तीनों मदिया, मदिया यू नीड टू हेल्प, बिल्कुल आप लगाती रहे, यू वेयर द ग्लव्स, ग्लव्स कहां है, ये आ गए, अब वहां से ले लें, वहां रखें, आ जाए ब्रश, ब्रश ले ले, ब्रश भी ले लें, हां बिल्कुल ब्रश ले लें, और ठीक है आज मदिया भी हमारी हेल्प कर रही है, मदिया ही ले लें आप। साहिर पहले मैं, साहिर ने बड़ा आपको सही गाइड किया बालों के लिए, साहिर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है मगर ये प्लीज ये बड़ा जबरदस्त, ये जड़ी बूटियों का शैम्पू है और ये जड़ी बूटियों का तेल जिन लोगों के बाल, क्या मैं दे सकता हूं साहिर आपको, देना है किसको चाहिए? नहीं ऐसे नहीं, शोर शोर शोर, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए और ये लीजिए और जाइए दे दीजिए शोर, गो। अच्छा जी, इतनी देर में मैं और मदिया जो है वो यहाँ आए, अब डॉक्टर साहब आप बताइएगा कैसे लगना, कैसे बिल्कुल बिल्कुल फेस पे आप लगाती चली जाए, और मैं साहिर साहिर की तो मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं इंजेक्शन लगाते हूँ सर, आपको वहीं रहना है जी, मुझे वहीं रहना है, आई नो मदिया आप लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने मेकअप किया हुआ है, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात, आपको थोड़ा सा कैमरा ऑल राइट जी 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 बिल्कुल कर दिए, देयर यू गो। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये लग जाएगा तो फिर कितनी देर तक लगा रहना? बस 10 मिनट के अंदर लगाएंगे, 10 मिनट के अंदर इसको रिमूव कर दें, उसके बाद साहिर आप इनको एक क्रीम दें जो बिल्कुल गोट्स मिल्क की है, ये मुस्तकिल लगाएंगे, झाइयां इनकी बिल्कुल 100% गायब होंगे। अच्छा ये आपके लिए है जी, और ये लगाइएगा दूध स्ट्रॉबेरीज वाली क्रीम, इनको तो लग गया ना, लग गया थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल पतली सी लेयर, बिल्कुल अब मैं इनके फेस पे हल्के से टाइटनिंग और एंटी झाइयां इंजेक्शन लगाऊंगा, फिर देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आता है, शुरू करते हैं जी, शुरू कीजिए, आ जाइए, ये देखिए, अच्छा ये इनका चेहरा बहुत अच्छा है, ठीक है, मगर देखिए ये झाइयां बहुत ज्यादा, ये कहते हैं ना बटरफ्लाई रैश, जैसे तितली बैठी हुई है, ठीक है, पूरा आप इस पे आराम से, हम विटामिन सी इसके अंदर है, एस्कॉर्बिक एसिड, ओके, ये लगाएंगे, इससे आपकी झाइयां बहुत तेजी के साथ ट्रीटमेंट के साथ गायब होना शुरू होंगी, झाइयां सर बिल्कुल गायब होंगी, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब अच्छा है, बेचारी खुश है, लोग शोर मचा रहे हैं, ये पूरा स्किन के अंदर ये जाके, That's good. बहुत सारे देखें, पूरा उनकी स्किन पूरी, अच्छा ये कितने ट्रीटमेंट्स होने चाहिए? सही, ये कम से कम 10 करेंगे और हम यही 10, करेंगे 10, 10 आपका यही कंप्लीट होगा, अब आपको ट्यूसडे को हिलना अच्छा, नहीं सायमा, है सायमा हमारी वैसे भी ऑडियंस कोऑर्डिनेटर हैं, तो सायमा को हम 10 ट्रीटमेंट यहीं पर करने जाएंगे, और सायमा का जो चेहरा है उसमें झाइयों का इशू है, लेकिन आई थिंक 10 ट्रीटमेंट के बाद झाइयों का इशू नहीं रहेगा, और साथ साथ मैं एक काम और भी करता हूं, 10 कॉलर्स मुझे अभी चाहिए, अभी मुझे कॉल कीजिए 10 कॉलर्स को, और डॉक्टर साहब की तरफ से 10 कॉलर्स को ये ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल। अच्छा ये अभी आप लगा लीजिए चेहरे पे, इसको लगा के अच्छी तरह, ये देखिए स्ट्रॉबेरीज है, खुद चेहरे पे लगाइए, एब्जॉर्ब, आप प्लीज हेल्प कर देंगे चेहरे पे लगाएं, और ये आज से आपका बकायदगी से करना है, 2 महीने में आपकी झाइयां बिल्कुल, जो लोग कहते हैं गायब नहीं होती साहिर, वो गायब करके दिखाएंगे, साहिर आपको गायब करेंगे। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? तूबा। तूबा आपका, इनका मसला क्या है, मुझे माइक दीजिएगा जरा जी, तूबा का मसला क्या है? तूबा व्हाट्स योर प्रॉब्लम? Nothing, just whitening के लिए injection, whitening के injection चाहिए, हालांकि आप white white हैं मगर ठीक है, तूबा प्लीज आर्म्स कर लें, और मैं तूबा को अभी लगाऊंगा, ठीक है, ऊपर कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर से करता हूँ। अच्छा ये लोशन भी आप साथ लगाएंगी, अच्छा थोड़ा सा स्क्वीज करना है हाथों को, ठीक है, कुछ दर्द नहीं होगा, बड़ा हफ्ते मुस्कुराते रहना, सोचें कि आप गोरा होके साहिर के पास शो में, बहुत लगवाया ना आपने बचपन में, तो बस आज बस जरा ऐसे ऐसे लगेगा जैसे किसी ने गोली मारी, लगा लगाएगा नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा, लगेगा कि आप ताहिर के शो में तैयार होके आ रही हैं भाई, लगाई लगाई तूबा, चलो देयर यू गो जी, तूबा बहुत, अरे बड़ी बहादुर है, बहुत बहादुर है, बहुत 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 बहुत, हाँ कुछ भी नहीं, बस ऐसे 15 इंजेक्शन अभी और लगेंगे बस, अरे वाओ क्या यार, ये तो मैं साहिल लोधी शो, डॉक्टर साहब आपको मेरी जरूरत नहीं रही, नॉर्मली होता है, नॉर्मली होता है कि जब कोई इंजेक्शन लगाता तो मेरा हाथ पकड़ता, बट दैट्स ओके, आपको मेरी जरूरत नहीं, देयर यू गो, ऑसम, वाओ, साहिल इनके लिए 10 इंजेक्शन साहिल की तरफ से आपको मिलेंगे, नहीं नहीं मैं आपको इस बहादुरी पे ये देने जा रहा हूं, अरे वाह, थैंक यू। अच्छा इस फेस वॉश से मुंह धोएंगी, हर्बलिस्ट 3-4 मरतबा मुंह धोने, ठीक है, ये क्रीम थोप थोप के लगानी है, खत्म होने की फिक्र ना करें, ट्यूजडे को शो शुरू होने से पहले यहाँ के बैठ जाए, डन जी, थैंक यू जी, तूबा को लगा दिया हमने, सायमा को लगा दिया, एंड थैंक यू मदिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सीरियसली बस मदिया एक आखिरी हल्का सा, मैडम का क्या हो रहा है, बिल्कुल 2 सेकंड के लिए लगाएंगे वो क्रीम या फिर मिक्सचर, मिक्सचर
मिक्सचर। टाइम बिल्कुल नहीं है, जल्दी जल्दी करो भाई। अच्छा मैं उनका थोड़ा सा क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ये लाइपोलिटिक और आप लिफ्टिंग थोड़ा सा फेस प्रोपोर्शन में नहीं है okay. तो हल्का सा लगाऊंगा इससे बॉडी आपका इस साइड पे आप लगाना शुरू करें ठीक है। नाम क्या आपका? साइमा शाहिदा। शाहिदा बस शाहिदा फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह मुझे इस बात का पूरे। आपने वो सुना है ना जो हिंदू में जब चिता जलाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। वो तो हंस रही है बड़ी खुश है आप। राम नाम सत्य है। नहीं नहीं बड़ी हंसती मुस्कुराती रहे। हंसता मुस्कुराते बंदे को जाना चाहिए। हंसता मुस्कुराता चला गया। कंप्लीट और डन ऑसम। थैंक यू। शायदा जी पेन तो नहीं हुआ? नहीं थोड़ा सा जी। बिल्कुल नहीं हुआ? नहीं, ये तो पेन में भी शर्माती है। अच्छी बात है। मैंने कहा पेन के लिए नहीं, पेन तो नहीं हुआ। शादी हो गई शायद जी आपकी? कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे दो बच्चे। दो बच्चे और हस्बैंड क्या करते हैं? कारपेंटर का काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये आपने कैसी खुशबू लगी आपको? अच्छी लगी ना साहिर का शो? ज्यादा अच्छा लगा ये खुशबू? अच्छी लगी मुझे, बहुत पसंद आया शो आप लोगों का। अच्छा। और बहुत अच्छा है साहिर ज्यादा अच्छा है शो ज्यादा अच्छा है? क्या सवाल है? नहीं नहीं शो भी बहुत अच्छा है और साहिर भी बहुत अच्छा। अरे साहिर जरा हंस भी ले। मतलब मैं हंस रहा हूँ। बहन है मेरी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। इनको वो दे दीजिए। अच्छा अगले को जरूर आइएगा। अच्छा आज के शो में बस खत्म हो गया है। अच्छा जी आज के शो में हमने जो सीखा है एक चम्मच से क्या कुछ हो सकता है ये आपने देखा। डॉक्टर साहब ने जितनी रेमेडीज बनाई वो भी एक चम्मच की थी। हकीम साहब ने जो कुछ बनाया वो भी एक चम्मच से है। सलमा ने जो बनाया वो भी एक चम्मच से। आपा ने जो बनाया वो भी एक चम्मच से। ऑफकोर्स फारा ने जो बनाया वो भी एक चम्मच से। एक चम्मच से बहुत कुछ हो सकता है, बस अल्लाह मियाँ किसी को चमचा ना बनाए किसी का। लेकिन एक चम्मच से बहुत कुछ हो सकता है। अगले हफ्ते दोबारा इसी एक चम्मच के साथ आज ही के दिन यानी ट्यूसडे हम हमेशा एक चम्मच टोटका करेंगे। एक चम्मच आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक तो ये शो देखना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद इस शो में जो बताया जाता है वो उस पर अमल करना वैसे बहुत ज़रूरी है। मदिया का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, वेरी लवली मीटिंग यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान। कल सुबह कहानी है काशान की। काशान ने काफ़ी सारी शादियाँ कर ली और यूँ ही कर ली। कल हम आपको दिखाएंगे भी सुनवाएंगे भी कि जो काशान भाई हैं इन्होंने इतनी शादियां की क्यों। काशान की एक अम्मी है जो समझती हैं कि काशान चांद जैसा है। इस चांद ने पता नहीं कितनी चांदनियों को मुतासिर किया। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।